है, चरुंडा है, और थाजल है, सिलिकोट है, बलकोट है, हथलंगा है, सिरा है। तो ये जो एरियाज हैं सारे फार करते हैं एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो यहाँ पे जो दहशत सुबह से हो रही है सर, उस दहशत के मतलब उसको दिमाग में रख के हम लोग अभी तक मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में भी थोड़ा मतलब डर रहे हैं, क्योंकि जो रिसेंटली हमने ये न्यूज़ सुना है कि कमलकोट एरिया जो है वहाँ पे ये गोला बारूद कंटिन्यूसली रात से हो रही है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा दहशत यहाँ पे फैल चुका है। यहाँ के कुछ मैक्सिमम यहाँ के लोग जो है वो यहाँ से माइग्रेट हो चुके हैं, तो वो उनको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई तो पर्टिकुलरली कोई स्पेस उनको मिला नहीं है, जगह नहीं है। तो हमारी आपके माध्यम से हमारी ये अपील है गवर्नमेंट से कि अगर हम इन बॉर्डर्स पर रहते हैं, ये हमारी ज़मीन है, हमारी ये गलती नहीं कि हम यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, क्योंकि ये हमारा लैंड है फ्रॉम बर्थ, जब से हमने आंखें खोली तब से यही कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और फॉरएवर वी आर विक्टिम्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट्स। हम इस आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर वो हमें कोई ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, कम से कम वो बैंकर्स प्रोवाइड करें। जितने भी एरियाज के यहाँ पे सर्वे हो चुका है, जितने भी एरियाज हैं, कम से कम 3,000-4,000 से ज्यादा ही लोग हैं जो मतलब इस इन सरहदों पे रह रहे हैं, जो एवर इन विक्टिम्स का शिकार हो रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि अगर वो हमें कोई और सहूलियत प्रोवाइड नहीं कर सकते, जो बाढ़ का ओरिजिन हुआ भी नहीं है यहाँ पे, आप समझ लो कि जंगी हो रहा है, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग हैं सब दहशत में जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ का हमें पता है जब यहाँ पे फायर होता है, कुछ भी होता है, तो उसके विक्टिम्स हम हमेशा रहते हैं। यहाँ पे डेथ भी बहुत सारी हुई है इसी फायर की वजह से। उसके बाद यहाँ पे मतलब रात भर हम सो नहीं सकते, जो हैवी मोटार्स हैं जब वो मतलब ये दागते हैं तो उनसे मतलब जमीन तक कांप जाती है। तो उस वजह से हम यही कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट से अपील यही है।